बिहार में जब चुनावी सरगर्मी सातवें आसमान पर है तो आरजेडी के प्रचार अभियान को लेकर एक सवाल जमकर उछाला जा रहा है। पूछा जा रहा है कि आखिर पार्टी के प्रचार अभियान वाले पोस्टर से लालू राबड़ी की तस्वीरें क्यों गायब हैं? ये भी पूछा जा रहा है सिर्फ तेजस्वी ही छाए क्यों दिख रहे हैं, लालू राबड़ी क्यों नहीं? विपक्षी नेता आरजेडी को लालू राबड़ी के राज पर खुलकर बहस की चुनौती दे रहे हैं तो तेजस्वी की कोशिश लालू और राबड़ी सरकार के दौर की ना के बराबर चर्चा की है। वो उम्मीद, भरोसे और रोजगार के दावों को सबसे आगे रख रहे हैं तो एनडीए लालू राबड़ी राज में बिहार को पिछड़ेपन के गर्त में धकेलने का आरोप लगा रहा है। लालूवाद विचारधारा तो तेजस्वी यादव मानते हैं, हर एक चुनावी सभा में यह जरूर कहते हैं कि लालू जी ने संदेशा भेजा है, लेकिन लालू जी और राबड़ी जी को राजनैतिक रूप से नजरबंद कर देते हैं। लालू जी से राजनैतिक घृणा करना, बाहर में एक स्वरूप दिखाते हैं लेकिन सच यह है कि लालूवाद का आनंद जरूर ले रहे हैं। राबड़ी देवी और लालू यादव को फ्लोरिश करें, ले जाएं चुनाव में माँ बाप को, तो पता चलेगा कि उनके 15 साल और 20 साल का इतिहास क्या रहा है। गुंडा राज था, जो रोज किडनैपिंग उद्योग चल रहा था उसके बारे में भी देना चाहिए। वैसे जनता सब समझती है, इन लोगों को रिजेक्ट कर चुकी है और रिजेक्ट कर रही है। हालांकि आरजेडी इन आरोपों को सिरे से नकार रही है। पार्टी की माने तो एनडीए ऐसे मुद्दों को हवा दे रहा है जिससे ध्यान भटकाया जा सके। असली मुद्दे से ध्यान भटकाना चाह रहे हैं। तेजस्वी यादव जी को जनता का विश्वास और समर्थन, आशीर्वाद मिल रहा है, तब ये पोस्टर में उलझ कर रह गए हैं। ये पोस्टर की सियासत, इवेंट मैनेजमेंट की सियासत ये लोग बीजेपी लोग करते हैं। अगर बीजेपी के माँ बाप बेरोजगारी और महंगाई है, उनके माँ बाप कौन है? वो अपना पोस्टर में माँ बाप का नाम क्यों नहीं दे रहे हैं? इसलिए कि जंगल राज उन्होंने लाया था, क्या हिम्मत है तो वो जंगल राज वालों का फोटो दे करके छापे। तेजस्वी पहले ही कह चुके हैं कि उनकी पार्टी सभी समुदायों और वर्गों की बात करती है। लालू के मुस्लिम यादव समीकरण की जगह अब तेजस्वी हर जगह बाप यानी बहुजन, अगड़ा, अल्पसंख्यक और पिछड़े समीकरण पर जोर दे रहे हैं। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव ने सार्वजनिक मंच से कहा था कि मेरे माता पिता के 15 साल के शासन में जो गलती हुई उसके लिए मैं माफी मांगता हूँ। अब पूछा जा रहा है कि क्या कथित जंगल राज के मुद्दे को पीएम मोदी से लेकर अमित शाह की तरफ से बार बार उठाए जाने से आरजेडी सावधान हो गई है और उसने तेजस्वी के चेहरे को आगे करने की रणनीति पर फोकस कर दिया है।